डेफिनेटली वेज बिरयानी ही बनाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड नॉनवेज तो खाते नहीं है, तो वो है कटहल का बिरयानी। यस, तो कटहल का बिरयानी बनाऊंगी। आई थिंक दो चार दिन हो गए हैं लाए हुए, तो मैं सोची थी क्या बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि आई थिंक उसका बिरयानी बनाना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ खाई थी, वो बिरयानी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने आज फ़ोन करके मम्मी से पूछा था कि मम्मी कैसे कैसे बनाया था, तो फिर मैंने सब कुछ रेसिपी वगैरह नोट कर लिया है और जा रही हूँ उसी तरीके से बनाती हूँ फटाफट से। किचन में आपको दिखाऊंगी। और हाय गाइस, तो आ चुकी हूँ मैं किचन में और बना रही हूँ बिरयानी। तो राइस जो है वो कुक हो चुका है ऑलमोस्ट, सो मैं पानी इसका पूरा ड्रेन कर देती हूँ, उसके बाद आपसे तैयार है। और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है राइस से, तो इसमें मैंने डाले थे इलायची और ग्लोब्स, तो ये भी तो रेडी है। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही कुक हो चुका है जितना हमें नहीं चाहिए था। तो अब मैं इस तरफ कर लेती हूँ कटहल को फ्राई, राइस जो है बिल्कुल तैयार है, इसे मैं कर देती हूँ साइड में। और यहाँ पर मेरे पास है कटहल जो कि अभी मैं लाई थी, 3-4 दिन हो गए होंगे आई थिंक। और इसको मैं कर लेती हूँ फटाफट से फ्राई, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। एंड उसके अलावा मुझे गार्लिक जिंजर का पेस्ट चाहिए, तो उसको मैंने अच्छे से पील करके वॉश कर लिया है, तो इसको भी मैं ग्राइंड करूँगी। और चाहिए हमें थोड़े से इस तरीके के हरे मिर्च, एंड डेफिनेटली कर्ड भी हमें चाहिए, तो मैं दिखाती हूँ कैसे करती हूँ। दही बना हुआ है, तो इसमें भी ऑलरेडी मेरे पास थोड़ा सा है, तो मैं सोच रही हूँ घर का दही क्यों वे
कर लेती हूँ। तो बस यही सब जाएगा, एक साथ में सबको मिक्स कर देती हूँ, सारे मसाले डाल देती हूँ। बस इसको फिर मैं कुकर में डाल दूँगी, नीचे इसको डाल दूँगी, ऊपर राइस को डाल दूँगी। थोड़ा सा बिल्कुल भाप हमें एकदम धीमी आंच पर देना है, बस यही है बिरयानी। बोलो अब थोड़ा मामा बना रही है बिरयानी, हम लोग टीवी देख रहे हैं। बोलो बाय बाय। ओके प्यार, किसी तरह किसी तरह तो बाय 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 मेरा सोना। तो नीरव भी आ गया था, वो एक्चुअली रो रहा था, चिड़चिड़ा हो रहा है। बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चे के साथ कुकिंग करना और साथ में ब्लॉगिंग करना। तो फिर आप देखिए प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे हस्बैंड नॉन वेज खाते नहीं है, उनको लगा ये चिकन है। एक्चुअली में लग रहा है बहुत ज्यादा सारे फ्लेवर मिक्स होंगे। डैडी को प्यार कर, डैडी को। क्या